अस्सलाम वालेकुम, मेरे किचन में आप सबका स्वागत है। देखिए, आज गाजर का हलवा बनाने का है। मैंने 2 किलो गाजर लिया है, उसे कद्दूकस कर लिया है और अच्छे से कद्दूकस करके इसको देखो घस लिया। अब इसको गैस पे हम 10 मिनट रखेंगे भूनने के लिए, ऐसे ही बगैर पानी दूध का 10 मिनट भून जा। देखिए 10 मिनट हो गया भून के। अब इसमें हम 1 लीटर दूध डालेंगे। देखिए 1 लीटर दूध पूरा डाल देंगे इसमें और फिर इसे हाथों से अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेंगे। गाजर के हलवे में सिर्फ हाथ का कमाल है, इसमें चलाते रहना है। जितना आप चलाएंगे उतना अच्छा आपका गाजर का हलवा बनेगा। इसको छोड़ना नहीं, बीच बीच में चम्मच मारते रहना, नहीं तो आपका गाजर का हलवा बीच में जलने लगेगा। और गैस तेज करके इसका पानी जला के दूध जो झाले वो भी हमको एकदम अच्छी तरह जला लेना है। एकदम उसको सूखा कर देना है गाजर चला चला के। देखिए अभी हमारा ये पोजीशन पे आया है। केसर लेके 7-8 केसर के धागे उसमें हम डाल देंगे, उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है केसर से। केसर डाल के अभी इसको हम चला चला के, गाजर हमारा लाल लाल था इसके लिए केसर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। 7-8 धागे 10 धागे आप उसमें डाल दीजिएगा, उससे खुशबू अच्छी आएगी। अभी हमारा गाजर अच्छी तरह भून गया। आप कढ़ाई गरम करके उसमें 2 चम्मच हम घी डालेंगे। घी डाल के घी को अच्छी तरह गरम कर लीजिए आप। जब गरम हो जाएगा तो पिस्ता डाल के थोड़ा सा भून लेना। पिस्ता थोड़ा अच्छी तरह घी में उसको हम भून लेंगे। पिस्ता हमारा भून के हो चुका है अच्छी तरह। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा काजू बादाम जो हमारा है वो डाल के भून लेंगे। ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से लेना, कम ज़्यादा उसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से करना। ड्राई फ्रूट हमारा अच्छी तरह देखो भून के हो रहा है। इसमें इसको एकदम आखिर में भूनेंगे चलेंगे हम। देखिए हमारा गाजर का हलवे का पानी एकदम अच्छी तरह सूख रहा है। थोड़ा सा और बाकी है, अभी थोड़ा सा और हम भूनेंगे। अभी साइड से पानी आ रहा है थोड़ा। अभी हम किशमिश भी डाल के उसे भी अच्छी तरह भून लेंगे। अभी भून के हो चुका है, हम पूरा ड्राई फ्रूट निकाल लेंगे। अभी उसी में हम घी भी खोआ भी भून लेंगे। घी डाल के अच्छी तरह खोए को भून लेना, उसकी गुठली एकदम खत्म हो जाए। देखो एकदम अच्छा भुना गया हमारा खोआ। अभी चलिए हम गाजर की तरफ चलते हैं। देखिए गाजर का भी हमारे पानी सूख के हो गया है अच्छी तरह। पतीली में इतनी भाप आ रही है कि बोल ही नहीं सकते कितनी भाप आ रही है। देखिए कितना अच्छा हमारा गाजर एकदम अच्छा तरह भून गया है। अभी हम उसमें आधा अपना ड्राई फ्रूट डाल देंगे, आधा बचा लेंगे और हमारा खोआ भी आधा ही डालेंगे, पूरा नहीं डालेंगे हम इसके अंदर। और शक्कर मैं अपने मीठे के हिसाब से 400 ग्राम डाली हूँ 2 किलो में। आप अपने हिसाब से मीठा कम ज़्यादा डाल सकते हैं शक्कर। अभी थोड़ा सा इसमें 1 से 1.5 चम्मच इलायची पाउडर हम डाल देंगे, उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, छोटी इलायची पाउडर। और थोड़ा केवड़ा ऐसे। अब इसको अच्छी तरह चला चला के हम भून लेंगे। देखो कितना अच्छा कलर आया है, ना कलर डाले हैं ना कुछ नहीं, बहुत अच्छा कलर आया। माशाल्लाह खुशबू पूरे घर में इसकी घूम रही है। 1 से 2 चम्मच आप घी डाल देना उसके अंदर, गाजर के अंदर। गाजर का हलवा खाने में बहुत टेस्टी रहता है और बहुत अच्छा लगता है। सर्दियों का दिन है, आप अपने घर गाजर का हलवा ज़रूर बनाइए और खाइए। अपने दोस्तों को खिलाइए, अपने घर में बच्चे लोग को खिलाइए, सबको खिलाइए। देखिए बहुत अच्छा गाजर का हलवा बन के तैयार हुआ है हमारा। देखिए ऐसी आप भी अपने घर बनाइए गाजर का हलवा। और इसको हाथ से जितना आप चला चला के भूनेंगे उतना अच्छा आपका गाजर का हलवा बनेगा। अब सर्व करके मैं आपको बताती हूँ।
देखिए निकालने में भी कितना अच्छा दिख रहा है। अब इसको हम गाजर के हलवे को खोए से अच्छी तरह सजा देंगे और फिर ड्राई फ्रूट बीच में डाल देंगे। ड्राई फ्रूट डाल के देखिए कितना अच्छा रेडी हुआ है। आप भी अपने घर दावत दीजिए या अपने घर बनाइए, ऐसे सजा के खाइए, बहुत टेस्टी लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने घर में बना के सबको खिलाई, बहुत अच्छा लगा है सबको, कब खाए हैं। अब देखिए मैं आपको खा के बताती हूँ कितना टेस्टी ये बना है गाजर का हलवा। देखिए मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, बोलने में जो गलती हुई होगी माफ़ करना और बनाने में भी जो गलती हुई